हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं पंजेरी। इसके इंग्रेडिएंट्स एक कप काजू, एक कप किशमिश और एक कप वॉलनट और एक कप बादाम और एक कप घी और एक कप खजूर, एक कप ओट्स और दो कप मखाना और दो कप गोंद। कढ़ाई को स्टोव पे रखें। पहले कढ़ाई गर्म होना, उसके बाद उसमें घी डालकर, ज़रा घी गर्म होने के बाद उसमें दो कप गोंद डालकर गोंद को रोस्ट करना चाहिए घी में। जब घी में इस गोंद को रोस्ट करते हैं तो ज़रा थोड़ा थोड़ा सा वो फूल कर मखाने के टाइप में अच्छा फूल कर आता है। फूलने पर उसे सेपरेट कढ़ाई से निकाल कर सेपरेट रख कर उसी कढ़ाई में ही दूसरा इंग्रेडिएंट मखाना डालकर मखाने को ड्राई रोस्ट करना चाहिए। मखाना ड्राई रोस्ट करने पर थोड़ा कलर चेंज होता है, लिटिल बिट ड्राई रोस्ट जल्दी हो जाता है मखाना। उसके बाद मखाने को उस सेपरेट करना, कढ़ाई में से निकाल कर उस कढ़ाई में फिर बादाम डालकर बादाम को भी ड्राई रोस्ट करना। बादाम से कई फ़ायदे है, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है बादाम के। उसी कढ़ाई में अखरोट को डालकर ड्राई रोस्ट करके अखरोट को भी सेपरेट कर देना। उसके बाद उसी गरम कढ़ाई में नेक्स्ट इंग्रेडिएंट काजू को डालकर काजू को भी ड्राई रोस्ट कर काजू को भी निकाल देना। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट किशमिश, किशमिश को भी ड्राई रोस्ट करे तो वो थोड़ा सा फूल जाती है, उससे भी निकाल कर उसी कढ़ाई में खजूर सूखा खजूर को ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करे बाद में उसे निकाल कर उसी कढ़ाई में ओट्स डालना है। ओट्स में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, हर रोज़ ओट्स को किसी तरह कंज्यूम करना चाहिए, इससे वेट लॉस भी होता है ओट्स से। और ये सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके ठंडे होने के वास्ते रख देना। आफ्टर ठंडा हो गए बाद में इसे अच्छा सा फाइन पाउडर के जैसा ग्राइंड कर देना चाहिए। एक से दो बार इसको अच्छा सा मिलाकर इसको फाइन पाउडर बनाए बाद में इसको अच्छा सा मिक्स करके इस पाउडर को एक बॉक्स में डाल दे तो वो बहुत दिन तक स्टोर रहता है। इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, ये 2-3 मंथ्स स्टोर होता है। और इसे कंज्यूम करने के लिए गरम दूध एक कप गरम दूध लेकर उसमें एक स्पून इस पाउडर को डाल के अच्छा सा मिक्स करके ये मिल्क को ब्रेकफास्ट के तरह हम अपन पी सकते हैं और इसे अच्छा। ओके, थैंक यू गाइस।